एसएसपी सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज के निर्देश पर सिविल लाइंस पुलिस द्वारा चार अभियुक्तों को गिरफ्तार कर कोटक महिंद्रा बैंक से गबन के 1,02,23,500 रुपए नगद, 1 किलो 200 ग्राम सोने व चांदी के आभूषण कीमत लगभग 70 लाख, 1 कार व 4 मोबाइल फोन बरामद किया गया। मीडिया को जानकारी देते हुए एसपी सिटी ब्रिजेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि अपराधियों ने अपना अपराध कुपूल कर लिया है। कोटक महिंद्रा बैंक का पैसा गबन किए गिरफ्तार अभियुक्त अंशुमन दुबे पुत्र केवल मान दुबे निवासी रंजीत कॉलोनी बस्ती जिला, पिंकू तिवारी उर्फ अधवेश तिवारी पुत्र गायत्री प्रसाद उर्फ मंडन तिवारी निवासी गोहनिया कुंडहरा मांडम प्रयागराज, मातांबर पांडे पुत्र गिरजा प्रसाद पांडे निवासी 112 डी तिलक नगर अल्लाहपुर प्रयागराज, कमल राज सचदेवा पुत्र संत पाल सचदेवा निवासी चैतन्य मार्ग सचदेवा मीरापुर प्रयागराज को गिरफ्तार भेजा जेल, जहां पर पुलिस की सबसे बड़ी उपलब्धि है। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के लिए क्राइम रिपोर्टर रोहित शर्मा की खास रिपोर्ट। थाना सिविल लाइंस पर दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 153/2020 धारा 406-409 आईपीसी के मुख्य अभियुक्त अंशुमान दुबे सहित चार अभियुक्त गण को आज थाना सिविल लाइंस की पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिन पर कोटक महिंद्रा बैंक का लगभग 9.5 करोड़ रुपए का गबन का आरोप है। इन चारों अभियुक्त गण से 1,02,23,500 रुपए नगद व लगभग 70 लाख की ज्वेलरी तथा लगभग 25 लाख मूल्य की कंपास कार एवं 4 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। अभियुक्तगणों ने पूछताछ पर बताया कि कोटक महिंद्रा बैंक का जो धनराशि ये दूसरे बैंकों के चेस्ट में जमा करने के लिए जाते थे, उस दौरान उसमें से काफ़ी धनराशि अपने पास रख लेते थे। मुख्य अभियुक्त अंशुमान दुबे के 4 बैंक खातों को भी सीज किया गया है, जिसमें लगभग 8 लाख रुपये की धनराशि है। यह प्रयागराज पुलिस की बड़ी उपलब्धि है। घटना में संलिप्त अन्य अभियुक्तगण की हम लोग गिरफ्तारी शीघ्र करेंगे और इन अभियुक्तगण के खिलाफ गंगेश्वर के अंतर्गत कार्रवाई की।